रेगुलर स्किन केयर में शेयर करने के लिए उतना कुछ होता नहीं है रेगुलर स्किन केयर का मतलब मेरे लिए बस फेस वॉश यूज करना है उसके बाद uh, कभी कभार मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर दो दिन बाद, -बाद में सिरम यूज करती हूँ एंड देन मॉइस्चराइजर बेसिक तो आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ माई वीकली स्किन केयर रूटीन मैं ट्राई करती हूँ तो अगर कभी कभी वीकली मेंटेन नहीं भी हो पाता है तो मैं कोशिश करती हूँ इस रूटीन को मेंटेन करू सो मैं बस वही शेयर करने वाली हूँ ओके वन मोर थिंग्स टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई अ न्यू फेस पैक तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है तो मैं वो भी शेयर करने वाली हूँ सो या लेट जस्ट क्विकली गेट स्टार्ट ओके सो इफ आई हैव माई मेकअप ऑन तो मैं पहले गार्नियर माइसलर वाटर से अपना मेकअप रिमूव करती हूँ एंड देन आई गो फॉर फेस वॉश तो अभी मेरे फेस में कोई भी मेकअप नहीं है तो मैंने जस्ट नॉर्मल वाटर से अपना फेस को थोड़ा सा वेट कर लिया है एंड देन आई एल बी यूजिंग दिस फेस वॉश इट इज हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश तो आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश सिंस आई वॉज अ टीन एज तो आई लव दिस फेस वॉश मतलब वो बो जो बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड तो इसके मामले में कुछ मेरा वैसा ही आ, मानना है इट इज अ वेरी गुड फेस वॉश तो आ, एक और चीज मैं बता देती हूँ आई हैव अ ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन जैसे विंटर या फिर मॉनसून में, में मेरा स्किन काफी ड्राई हो रखता है एंड देन अगेन समर के टाइम मेरा स्किन थोड़ा सा आ, टी जोन में ऑयली हो जाता है एंड देन चीक एरिया में चीक एंड चिन एरिया में, में मेरा ड्राई uh, हो जाता है तो अभी मेरा स्किन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टाइप में है तो इसीलिए मैं ये फेस वॉश यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके फेस में जो ऑयल्स uh, है ना उसको रिमूव करता है एंड uh, कभी कभी जब मुझे uh, बहुत ड्राई फील होता है तब मैं सेटेफिल्ड uh, का जो जेंटल क्लेंजर है वो यूज करती हूँ दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्लेंजर सो मैं इसका ऐसे हाफ पंप लूंगी दैट इज इनफ मी आई विल जस्ट लादर इट

ऑब्वियसली यहाँ पे मिरर इमेज दिखा रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ सो आई यूज दिस एम कैफिन वाला स्क्रब इट इज देयर कॉफी फेस स्क्रब आई हैव अ बिगर ट्यूब लेकिन वो uh, काफी मतलब वो अभी खत्म होने को आया है सो आई हैव दिस मिनी ट्यूब सो आई विल यूज दैट ये स्क्रब मुझे बहुत पसंद है इट इज वेरी नाइस आई जस्ट टेक दिस मच ऑफ अमाउंट एंड जेंटली फेस फेस पे रब बहुत जेंटल मसाज करना रहता है आपके फेस को क्योंकि अगर आप ज्यादा ऐसे ऐसे रब करोगे ना तो माइक्रोटियस हो जाते हैं फिर ब्रेकआउट्स होते हैं स्किन में दैट ऑब्वियसली वी डोंट वांट सो आई जस्ट डू द मसाज ऐसे हल्के हाथ से ट योज एरिया मेरे फेस में मेन जो प्रॉब्लम है ना वो है दिस नोज एरिया में मेरे बहुत सारे ब्लैकेट हो जाते हैं और दे आर सो स्टन ओ माई गॉड वो जाते ही नहीं है वो रही जाते हैं ऐसे परमानेंटली वो लोग ऐसे सेटल हो गया है मेरे नोज पे तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसे स्क्रब करूंगी एंड देन प्लेन वाटर से इसे वॉश कर लूंगी सो so, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है पानी से एंड माई फेस इज स्टिल डैम तो अभी मैं जो फेस पैक यूज करने वाली हूँ दैट इज अ न्यू वन इट इज फ्रॉम एक्वालॉजिका इट इज ग्लो फेस मास्क सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस मास्क की मैं इसे पहली बार ट्राई करने वाली हूँ इट इज क्ले मास्क वह इट स्मेल्स नाइस ये कुछ इस टाइप का दिखता है सो नाउ आई एम गोइंग टू अपलाई दिस मास्क तो ये ढक्कन में भी काफी सारा लगा है तो ये इसे यूज कर लेते हैं एंड माई फेस इज स्टिल डैम्प इसका एप्लीकेशन काफी स्मूद है एंड इट स्मेल रियली नाइस वाह ओके okay, तो मैंने इवनली अपने पूरे चेहरे पे मास्क मतलब फेस पैक अप्लाई कर लिया है uh, अभी से मैं टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तक रखूंगी उसके बाद ड्राई हो जाने के बाद मैं प्लेन वाटर से इसे वॉश कर लूँगी ओके सो देट्स वेट फॉर फिफ्टीन मिनट्स तो आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स माय फेस इज ऑल ड्राई नाउ मैंने बाल बाल भी अपने से पीछे बांध लिया है तो मैं फेस वॉश करके फिर आती हूँ तो फेस वॉश के बाद ग्लो का तो पता नहीं बट इट इज फीलिंग वेरी ड्राई मतलब एक फेस पैक लगाने के बाद जो होता है ना खींचा खींचा सा फील होता है इसमें वैसा फील हो रहा है मुझे वैसे जो होम मेड फेस पैक मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था इफ़ यू हैव एंड वॉच दिस वीडियो देन गो टू माई चैनल एंड वॉच दिम तो उसमें जो लगाने के बाद एक अलग ग्लो आता है एक स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाता है वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं यार होम फेस पैक का तो बात ही अलग है बट अब क्या कर सकते हैं सो इट्स ओके नाउ आई विल यूज माई टोनर इट इज फ्रॉम लव आर्थ हाइलरोनिक एसिड टोनर नाउ आई विल वेट फॉर टेन सेकेंड्स उसके बाद मैं अपना सिरम अप्लाई करूंगी तो नाउ माई फेस इज एप्सल्यूटली ड्राई तो अभी मैं यूज करूंगी प्लम का वाइटामिन सी सीरम इट इज फिफ्टीन परसेंट वाइटामिन सी सीरम तो अभी मैं इसे अप्लाई करूंगी हल्के हाथ से उसे ऐसे जस्ट मसाज कर दूंगी ओके सो आफ्टर सिरम एप्लीकेशन आई विल वेट फॉर 15 टू 20 सेकेंड्स उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूंगी तो एंड uh, तब तक मैं लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद लिप बाम्स आई लव लिप बाम्स सो आई हैव अ लॉट ऑफ लिप बाम्स यर लैक में शुगर पॉप देन व्हाट इज इज ओके माई ग्लैम दिस इज अगेन फ्रॉम माई ग्लैम वेजलिन हिमालय का जो uh, लिप गार्ड आता है वो मेरे हर Uh, मेरे घर पे हर कोने पे हर जगह पे एक लिप बाम तो मिलेगा ही मिलेगा एंड uh, मेरे हर बैग में मेरे मेकअप एंटी में हर जगह एक ना एक लिप बाम तो आपको मिल ही जाएगा बिकॉज आई लव लिप बाम गोइंग टू यूज माय लिप बाम इट इज फ्रॉम लिप लाइट रिपेयर एंड प्रोटेक्ट एसपीएफ 15 है इसमें सो आई विल जस्ट यूज दैट now i will use the moisturizer it is from bioderma i'll take this much of amount I love this moisturizer. It is very uh, moisturizing and hydrating. It feels so good on the skin. So very good moisturizer. If you have dry skin or uh, very dry skin, please go for this moisturizer. It is very good. I am in love with this moisturizer. And now it is time to use the sunscreen which is very important. It is from Aqualogica. It is their Radiance DV sunscreen spf 50 pa plus 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 uva and uvb protected i'll take this much of amount and spread it all over and then just gently apply it this sunscreen is again very good मैंने अपने चैनल पे पूरा डिटेल्ड रिव्यू दिया है इस सनस्क्रीन का इफ यू हैवंट चेकड इट देन प्लीज गो टू माय चैनल एंड चेक दिस दिस वन इज वेरी वेरी लाइटवेट डजंट लीव एनी वाइट कास्ट एंड इट इज वेरी गुड ओके सो आई एम डन विथ माय स्किन केयर दिस इज माय स्किन इज लुकिंग सो फार नॉट बैड